बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर एनेबलिंग ट्यूटर्स टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। क्विक एक्सेस टू मैनेज एनरोल्ड स्टूडेंट्स। All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's number one teaching app. Teachmint. Atmanirbhar Bharat ka apna app. Aasan hai. Download now. जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी का ओपन होगा। उसके बाद से जब आप लोग यहां पर रोल कोड और रोल नंबर डालेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। चलिए आगे वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड ने आप सभी से वादा किया था कि जो आप लोगों का 12th का रिजल्ट है अर्थात इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को होली से पहले रिलीज करने का। तो कल बहुत सारे विद्यार्थी बहुत रात तक वेट किए जो इंटर का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रिजल्ट जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन आखिर में आप लोगों का जो इंतज़ार था वो समाप्त हो चुका है और जो बिहार बोर्ड द्वारा जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया। और आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप लोग मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेकर आया हूं जहां की आप लोगों को मिलेगा चार नहीं बल्कि एक दो और चार नहीं छः छः सर्वर यहाँ पर मिलेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग छः सर्वर में से किसी भी सर्वर पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा, जैसे कि मैं सर्वर 5 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगेंगे आप लोगों को यहाँ पे प्रोसेस होने में, जैसे कि मेरा हो रहा है। देखिए बहुत देर बाद प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन होगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, लिंक एनुअल सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट 2021। तो हम लिंक नंबर 1 पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करता हूँ। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों का सामने हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसी का भी रोल कोड डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 92086। उसके बाद से रोल नंबर में मेरे को भाई किसी को याद ही नहीं है, तो मैं कैसे डालूँ, कोई तो बता दो। 2,21,10,000,10,00,000 मैंने ये दे दिया। अब मेरे को पता नहीं ये सही होगा कि नहीं यार। 17 और 30 कितना होता है? 17 और 13 जो है वो 30 होता है। तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ, उसके बाद से व्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे नो डाटा फाउंड, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी का भी रोल नंबर और रोल कोड मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, सिंपली जो है इसी तरह आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। सो आप लोग अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर लीजिए। चलिए अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा ताकि आप सभी का और भी मैं हेल्प कर सकूँ। अगर चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।